ये सारी विजय चित्तौड़ की जनता की और चित्तौड़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में 2013 के अंतर मार्च के बजट में 2013 के मार्च के बजट में चित्तौड़गढ़ को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद मेडिकल कॉलेज की एक लंबी प्रक्रिया है, जमीन आवंटित होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन शासन बदला और वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने इस मेडिकल कॉलेज से किनारा किया, जैसे इसका फायदा सिर्फ मेरे को या आप लोगों को मिलने वाला हो। इस तरह से ये मेडिकल कॉलेज 5 साल तक खुल गए, आपने लगातार कलेक्ट्रेट के ऊपर संघर्ष किया, लगातार इस सरकार को बताया, यहाँ मुख्यमंत्री जब जब भी पधारी वसुंधरा जी, तब तब आप लोगों ने बराबर ज्ञापन यहाँ पर दिए, प्रेस के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल महोदय को सीधा भिजवाया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि वर्तमान विधायक जो दोबारा चुनाव जीते हैं, उन्होंने एक शब्द और एक लाइन मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री को ने तो लिखी न भूली। चिकित्सा के क्षेत्र में एक उपस्वास्थ्य केंद्र भी इन माननीय विधायक महोदय नहीं खुलवा सके, न बीएससी खुलवा सके, न सीएससी खुलवा सके। मेडिकल कॉलेज की बात तो आप बिल्कुल छोड़ो, ये मेडिकल कॉलेज चित्तौड़ के विकास के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।